नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ACNBC और मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, इनके उपयोग क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था ये AC करंट की फ्रिक्वेंसी 50,000 रखी गई है, यानी ये करंट एक सेकंड में 50 बार आती और चली जाती है। इसे हम देख नहीं सकते, इसे देखने मापने के लिए हमें फ्रिक्वेंसी मीटर की जरूरत होती है। दोस्तों, ये है हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर, इससे आप बड़े ही आसानी से अपने इलेक्ट्रिकल अपने घरों के इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी को आप माप सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारा फ्रिक्वेंसी मीटर, इसमें हम 45 फ्रिक्वेंसी से लेके 55 फ्रिक्वेंसी तक ही देख सकते हैं। इसे आप व्यवहार कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं इसके पीछे तीन लाइन लगाने का ऑप्शन है, एक है कॉमन, दूसरा है 230 वोल्ट और तीसरा है 440 वोल्ट। तो अब हमें ये देखना होगा कि हमें 230 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी मापनी है या 440 की। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं 230 वोल्ट की फ्रिक्वेंसी को हम किस तरह माप सकते हैं। दोस्तों, ये है, ये देखिए मैंने वायर से कनेक्ट कर रखा है अपने फ्रिक्वेंसी मीटर को। अब हम इसे अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ प्लगिंग करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है मेरा बोर्ड, इसमें मैंने इसे इसमें अभी जितनी फ्रिक्वेंसी होगी उसके सामने वाली पट्टी वाइब्रेट करना शुरू करेगी, जिससे हम समझेंगे कि अभी फ्रिक्वेंसी कितनी है। दोस्तों, हम लाइन ऑन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 49 और 51 के बीच वाला हिस्सा का जो पट्टी है वो 50-50 मानी जाएगी। 49 और 51 के बीच की ये पट्टी है, उसके सामने वाली ये जो पट्टी है वो वाइब्रेट कर रही है। इससे हम ये समझ रहे हैं कि हमारी ये करंट 50 फ्रिक्वेंसी में अभी आ रही है। दोस्तों, आप ये जान लें कि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ जाए या घट जाए तो वो हमारे एसी करंट से चलने वाले इक्विपमेंट्स जितने भी हैं आपके घरों के अंदर, फ्रिज हैं, पंखे हैं, एयर कंडीशनर हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स को खराब कर सकती हैं। यानी ये सारी चीजें 50 फ्रिक्वेंसी में डिजाइन की गई हैं। अक्सर जब कभी आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसमें फ्रिक्वेंसी बढ़ने और घटने की संभावना ज्यादा होती है, या आप जनरेटर से आप अपने इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं तो भी फ्रिक्वेंसी बढ़ने और घटने की पूरी संभावना होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी जनरेटर से तब बढ़ती या घटती है जब उसकी स्पीड बढ़ जाए या घट जाए। और दोस्तों, पुराने डिजिटल इन्वर्टर के साथ ये होता था कि जब उसमें आपकी बैटरी की चार्जिंग होती थी तो उस टाइम उसकी फ्रिक्वेंसी 50 पे सेट की हुई होती थी, लेकिन जब आपकी बैटरी की एनर्जी धीरे धीरे कम होती थी तो आपकी फ्रिक्वेंसी उसके साथ साथ घट जाती थी, जिससे आपकी इक्विपमेंट्स को नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ जाती थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपको फ्रिक्वेंसी मीटर की जरूरत होती है फ्रिक्वेंसी को मापने में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह आपके लिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।